हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल योगेशी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एवी प्लेयर की सहायता से रिंगटोन किस प्रकार अपनाई जाती है, कि किस तरह की रिंगटोन होती है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको पिक्सेल एवे ऐप को ओपन कर लेना है। ये रहा पिक्सेल ऐप। कैंसिल। तो अभी आपको इधर थ्री डॉट पर जाकर यहाँ पर ये देखो, यहाँ से इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो, ये रहा यहाँ पर, सॉरी इमेज साइज। इसको कस्टम पर जाकर यूट्यूब थंबनेल ये सेलेक्ट कर लेना है। और कलर, इसका बैकग्राउंड कलर आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ, चलिए इसको ले लेते हैं। और अभी इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी इधर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको PNG इंपोर्ट कर लेना है। जिस भी PNG को आप यूज करना चाहते हो अपने रिंगटोन में, तो सिंपली मैं इसको कर लूँगा क्योंकि मैंने पहले बना के रखा हुआ था। इसको इंपोर्ट कर लेना है और इसको बिल्कुल इस तरह से सेट कर लेना है। और इसका स्ट्रोक ओपन कर लेना है। ये देखो, स्ट्रोक पर जाकर ये थोड़ा जैसे हाईलाइट हो जाए। ओके, तो अभी इसको सेव कर लेना है। यहाँ सेव वाले आइकन पर क्लिक करके सेव एज इमेज, इस कस्टम को अल्ट्रा पर सेट कर लेना है और सेव टू गैलरी। अभी फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी इन सबको रिसेंट में से हटा देना है। अभी आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर AV प्लेयर सर्च करना है। और इसे इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा स्किप कर देता हूँ वीडियो को ताकि लंबा ना हो। इंस्टॉल हो चुका है तो ओपन कर लेंगे। जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर देना है। सिंपली एक बार और ओपन करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अभी लाइब्रेरी पर जाएंगे और एवरीथिंग, यहाँ से आप अपनी पसंद की रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको NCS चला कर दिखाऊंगा। तो डिफॉल्ट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी आपको करना है, ये देखो विजुलाइजर वाले सेक्शन में, और यहाँ से ये देखो इधर लोड फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक
लिंक मिल जाएगी, उधर से विजुलाइजर करके एक फाइल होगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मैंने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं वहाँ पर से सेलेक्ट कर लूँगा। आपका जहाँ पर भी हो, आपका डाउनलोड में आएगा उसे, तो वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखो मेरा म्यूजिक नाम से सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इधर क्लिक करना है। ये देखो सेम वैसा का वैसा ही है जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो अभी आपको रोटेशन ऑन कर लेना है लैंडस्केप मोड में, और ये इधर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए, ये देखो योर इमेज करके एक सेक्शन है, इधर क्लिक करेंगे और ये इधर इमेज पर, और ये जहाँ ये चौकोर दिख रहा है इधर क्लिक करेंगे, और ये पिक इमेज इस पर क्लिक करेंगे, और जो अभी आपने पिक्सल लेवे ऐप में वो फोटो बनाया था, एक इमेज तैयार किया था, उसे सिंपली यहाँ से इंपोर्ट करा लेना है। ये देखो मैं करा लेता हूँ, ये देखो इधर ये हो गया। अभी देखो कुछ कुछ वैसा ही बनने लगा है। अभी वापस से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से बार्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जर्नल पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये पोजीशन करके एक सेक्शन है, ये देखो इधर यहाँ पर क्लिक करना है, और अपने मुताबिक आपको बार्स को सेट कर लेना है कि आप कहाँ पर रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पर रख लिया। अभी देखो अभी पूरा बन चुका है, लेकिन अगर आप अपना चैनल का नाम भी लगाना चाहते हो तो वापस से पेंसिल पर क्लिक करो, और यहाँ पर देखिए इमेज पर चैनल लोगो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरल, इसको अगर डिसेबल होगा तो इसको अनेबल कर लेंगे, और इमेज पर चलेंगे वापस से। यहाँ पर कस्टम इमेज, ये जो डार्क हुआ पड़ा है, और यहाँ पर से पिक इमेज, और अपने चैनल का लोगो लगा लेंगे। तो फिर वो ऊपर लग चुका है, ये देखो इधर मेरा डो म्यूजिक। तो इस प्रकार आपका ये रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ प्ले करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ ना आए हो तो कमेंट करके बताएं।